आज इस विधि से करें माँ कुष्मांडा की उपासना, दूर होंगे सभी कष्ट और पाप। हिंदू पंचांग के अनुसार आज यानी 25 मार्च 2023 को चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आज के दिन माता कुष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ कुष्मांडा तेज की देवी है और मान्यता है कि इनकी आराधना करने से यश बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, कमल, अमृत पूर्ण कलश, चक्र, गदा, धनुष बाण और माला है। माँ कुष्मांडा बाघ की सवारी करती है। माता को हरा रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में हरा रंग पहनना अति शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता कुष्मांडा को मालपुआ का भोग अर्पित करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 मार्च को दोपहर 3:29 पर शुरू हो रहा है और इसका समापन 25 मार्च दोपहर 2:53 पर होगा। इस दिन अति शुभ योग अर्थात रवि योग का निर्माण हो रहा है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन रवि योग सुबह 6:15 से सुबह 11:49 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में माँ कुष्मांडा की उपासना करने से पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि माता कुष्मांडा पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर पूजा स्थल को साफ करें और फिर स्थान ध्यान कर सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद माता दुर्गा और घर में स्थापित कलश व अखंड ज्योति को धूप दीप गंध पुष्प इत्यादि अर्पित करें। माता कुष्मांडा को लाल पुष्प और सफेद कुम्हरा का फूल चढ़ाएं, साथ ही उन्हें पंच फल और मालपुए का भोग अर्पित करें। पूजा के समय माँ दुर्गा का ध्यान करें और देवी कुष्मांडा स्रोत का पाठ करें। पूजा के अंत में दुर्गा माता की आरती का पाठ जरूर करें और फिर परिवार के सदस्यों में प्रसाद वितरित कर दें।